सीजेस्टी ने सलोनी सरसों तेल ग्रुप पर 100 घंटे की मैराथन छापेमारी की। छापेमारी सीजेस्टी कमिश्नर के दिशा निर्देश पर की गई। छापेमारी का नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर पल्लव सक्सेना ने किया। अब सलोनी ग्रुप को कई करोड़ रुपए का टैक्स जमा करना होगा। सीजीएसटी विभाग ने सलोनी सरसों के तेल कंपनी पर 100 घंटे की मैराथन छापेमारी की। 100 घंटे चली छापेमारी में विभाग के दर्जन भर से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात एक कर बही खाते खंगाले। जानकारी के मुताबिक विभाग ने 126 करोड़ रुपए की वैल्यू निकाली है। इस 126 करोड़ की वैल्यू पर विभाग को लगभग 7 करोड़ के आसपास टैक्स मिलेगा। सलोनी ग्रुप कंपनी को अब लगभग 7 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा। विभाग की सलोनी ग्रुप पर ये बड़ी छापेमारी है। छापेमारी सीजीएसटी के तेज तलार आयुक्त शरद चंद्र श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में की गई है। छापेमारी की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर पल्लव सक्सेना की अगुवाई में हुई है। टीम में तेज तलार सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर्स मौजूद रहे। छापेमारी टीम में सुपरिटेंडेंट आरडी सिंह, अनिल तिवारी, इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह, अरविंद परमार, कपिल कुमार, अजय सोनकर, इंद्रेश कुमार, दीपक कुमार, अनुराग शामिल रहे। सभी अधिकारियों ने गहनता से कागजों की जांच पड़ताल करते हुए 126 करोड़ रुपए की ड्यूटी निकाली है। इस पर लगभग 7 करोड़ के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक छापेमारी की गई। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।